नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ विजय यादव। गुजरात के समाजवादी पार्टी से कच्छ जिला के अध्यक्ष सहदेव सिंह ने लोगों को बांटे राशन किट। आज समाजवादी पार्टी के कच्छ गांधीधाम जिले के अध्यक्ष सहदेव सिंह और लालजी भाई ने गरीब परिवार के लोगों के लिए राशन वितरण किया और गांधीधाम बाबाशिला कॉलोनी के करीब 200 परिवारों को राशन किट वितरित की गई। लॉकडाउन के चलते श्रमिकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के कच्छ के जिला अध्यक्ष ने लोगों को विश्वास दिलाया कि परेशान न हो, इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं। किसी भी परिवार का सदस्य भूखा नहीं सोएगा, सभी की हर संभव मदद की जाएगी। नमस्कार, मैं सहदेव यादव, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष, गांधीधाम गुजरात। जो आज देश में कोरोना की जो महामारी चल रही है वायरस की, उससे बड़ा देश हमारा, देश का पूरा विश्व ही बड़े संकट की घड़ी में गुजर रहा है। और मेरी आशा है, मैं देश की जनता से, गुजरात की जनता से, कच्छ की जनता से, मैं यही सबसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जब तक ये कोरोना है, जब तक मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो 24 तारीख से लॉकडाउन किया है, उसके सोशल डिस्टेंस की दूरी बना के रखें और घर से बाहर ना निकलें और हो सके तो मिलना जुलना कम रखें। मैं यही सभी देश की जनता से, गांधीधाम की जनता से, गुजरात की जनता से यही अपील करता हूँ। और जो इस लॉकडाउन के बाद 24 तारीख के बाद जो लोग गरीब हैं, बेचारे ड्राइवर हैं, मजदूर हैं, लेबर है, जो वर्क कर रहे, उनको बेचारों को कोई खाना नहीं कहीं मिल रहा है। जिस जिस जगह से हमारे पास फोन आता है कि भाई यहाँ इस जगह पे खाना नहीं है, तो हमारी समाजवादी पार्टी की पूरी सभी साथियाँ, पूरी टीम, सभी साथी लोग, समाजवादी लोग वहाँ गरीब बेचारों को खाना भोजन देने के लिए जहाँ जहाँ से फोन आता है वहाँ खाना वितरण करते हैं। एवं जिनके घर पर कोई सुविधा नहीं है, खाने बनाने का राशन नहीं है घर में उनके पास, उनके यहाँ पे हम कम से कम 200 किट वितरण कर चुके हैं अभी तक।